USA is an amazing opportunity to live and work. Probably USA जो है दुनिया के उन best countries में शामिल होता है जहाँ पे जाके आप अपने skill को जो है वो polish कर सकते हैं, आप job कर सकते हैं, आप business कर सकते हैं and USA जो है वो आपको एक opportunity provide करता है to excel in your field. And probably this is the reason कि वहाँ पे जो इमिग्रेंट्स हैं दे आर वेरी सक्सेसफुल एंड USA इज अट्रैक्टिंग टैलेंटेड पीपल फ्रॉम अराउंड द ग्लोब और उस अट्रैक्शन में उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी दी है दैट इज कॉल्ड EB2 नेशनल इंटरेस्ट वेवर प्रोग्राम. दिस इज एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल हु आर हैविंग बैचलर डिग्री 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, मास्टर्स डिग्री एंड PhD डिग्री होल्डर्स. अमेजिंग अपॉर्चुनिटी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, बहुत सस्ती अपॉर्चुनिटी है और प्रोसेसिंग टाइम इज अमेजिंग. नॉर्मल अगर हम USA के जितने भी इमिग्रेशन प्रोग्राम्स हैं उनमें देखते हैं तो प्रोसेसिंग टाइम इज वेरी लेंथी, बड़ा लंबा टाइम लग जाता है आपका वीज़ा जो है वो प्रोसेस होने में. EB2 NIW प्रोग्राम के अंदर आपका वीज़ा जो है वो प्रोसेस, टोटल प्रोसेस फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड, इट कैन टेक अप टू मे बी 1.5 to 2 years. और इतने अरसे में आपका जो है वो ये सारा, मतलब आपकी इमिग्रेशन पिटीशन फाइल हुई, पिटीशन जो है वो आपकी अगर एक्सेप्ट हो जाती है तो वीज़ा में चले गए, वीज़ा में आपका आपका इंटरव्यू हुआ, आपको वीज़ा मिला और आप चले गए. और EB2 की सबसे अच्छी बात ये है कि ये डायरेक्ट ग्रीन कार्ड है, आपको डायरेक्ट ग्रीन कार्ड मिल जाता है. ठीक है, आपको अगर आप सिंगल हैं तब भी, अगर आप मैरिड हैं तो पूरी फैमिली को जो है वो ग्रीन कार्ड मिल जाता है. अच्छा, EB2 बेसिकली है क्या? EB2 एम्प्लॉयमेंट बेस्ड इमिग्रेशन है, प्रेफरेंस सेकंड. तो EB1 है, EB2 है, EB3, EB4, दिस इज सेकंड प्रेफरेंस, इसलिए इसका जो वेट पीरियड है वो कम है. EB1 का इससे भी ज्यादा क्विक प्रोसेस है. हम EB2 को जो है इस एम्प्लॉयमेंट बेस्ड है, लेकिन हम नेशनल इंटरेस्ट वेवर प्रोग्राम के अंदर एम्प्लॉयमेंट बेस्ड होगा तो इसका मतलब आपको एम्प्लॉयमेंट ऑफर चाहिए, लेकिन NIW है कि आप उसका वेवर मांग रहे हैं फ्रॉम US गवर्नमेंट. लेकिन वो वेवर आपने किस तरह से एस्टैब्लिश करना है उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे और थोड़ा सा आपको गाइड करेंगे कि इसका प्रोसेस क्या होता है. एज आई सेड, आपके पास जो है वो कोई एडवांस डिग्री होनी चाहिए. आपके पास बैचलर डिग्री है तो 5 years ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन उस 5 years ऑफ एक्सपीरियंस में आपने अपनी ग्रोथ दिखानी है. सेकेंड, आपके पास मास्टर्स डिग्री हो सकती है या PhD डिग्री हो सकती है. इन दोनों डिग्रीज के साथ भी जो है वो आपको फिर अब एक्सपीरियंस की जो रिक्वायरमेंट है वो वेव ऑफ हो जाती है. सो और इसके साथ साथ आप कोई, अगर आपके पास कोई एक्सेप्शनल एबिलिटी है तो वो उसके थ्रू भी आप NIW प्रोग्राम में अपने आप को प्रूव कर सकते हैं. इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इसके स्ट्रक्चर में आप जब एक्सेप्शनल एबिलिटी की बात करते हैं तो आप ये बता सकते हैं, लेट्स सपोज आपके पास जो आप यू आर वर्किंग इन अ सेक्टर जहाँ पे एवरेज सैलरी जो है वो 1 lakh rupees है जबकि आपकी सैलरी जो है वो 1.5 lakh rupees है. सो आप प्रूव कर रहे हैं कि भाई मेरा जो मैं अपने जैसे जो मेरे लोग हैं मैं उनसे एक्सेप्शनल एबिलिटी है मेरे पास, कि आप अपने आप को प्रूव कर सकते हैं. इसके अलावा आपके पास कोई सर्टिफिकेशन हो सकती है, आपके पास कोई रिकग्निशन हो सकती है, आपको कोई अवार्ड मिला है, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी एक्सेप्शनल एबिलिटी की तरफ कंट्रीब्यूट करती हैं. जो लोग मैं जनरली आपको बता दूं जितना एक्सपीरियंस है EB2 के केसेस को हैंडल करने के साथ साथ, उसमें ये होता है कि अगर आपके पास PhD डिग्री है स्टेम में है या नॉन स्टेम में. स्टेम का मतलब है साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स. स्टेम में है या नॉन स्टेम के अंदर है, आपके चांसेस PhD और मास्टर्स डिग्री होल्डर्स की, अगर आप अपना आप अपनी इमिग्रेशन जो पिटीशन आप फाइल करते हैं उसमें आप ये प्रूव कर देते हैं कि मैं, मेरे पास एक ऐसा स्किल है जिस जो इम्पॉर्टेंट है टू द US, ठीक है, मैं वहाँ पे जाऊँगा, मेरे पास एक एबिलिटी है, मैं ऑलरेडी एक्सेप्शनल एबिलिटी होल्डर हूँ और मैं वहाँ पे जाऊँगा और मैं अपने आप को भी सेटल कर सकूँगा, विच मीन्स कि मैं आम लोगों से ज़्यादा बेहतर अर्न कर रहा हूँ और मैं ओवरऑल जो सोसाइटी है, अमेरिकन जो कम्युनिटी है उसके, उसको कैसे बेनिफिट दे रहा हूँ. सो मे बी यू कैन क्लेम कि जी मैं वहाँ पे जाऊँगा तो मैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करूँगा. लेट्स सपोज हम इसको एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग में लेते हैं, फिर हम इसके प्रोसेस को भी देख लेते हैं.
फॉर्म I-140 जो है उसमें क्या करना होता है, कवर लेटर के अंदर क्या होना चाहिए, आपकी डॉक्यूमेंटेशन कैसी होनी चाहिए. सो आप ये आपने लेट सपोज यू आर एन आईटी प्रोफेशनल और आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम करते हैं या आप डेटा एनालिस्ट हैं, ठीक है. आप कहते हैं कि भाई मैं अमेरिका जाऊंगा, अमेरिका में जॉब अपॉर्चुनिटीज कितनी ज्यादा हैं इसके ऊपर, ठीक है. उसमें आप फर्दर ड्रिल डाउन कर सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, जहां पे आप एक्सेल करना चाहते हैं, प्रपोज्ड एंडेवर आपने देना होता है. सो आप वहां पे जाएंगे तो आप जाके आपको अपॉर्चुनिटीज किस तरह की अवेलेबल हैं, और अगर आप वहां पे आप अनएम्प्लॉयड नहीं होंगे, आपने अपॉर्चुनिटीज बता दी उनको कि ये अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो अवेलेबल हैं, आपने उनको ये बता दिया कि भाई मैं वहां पे ये अपॉर्चुनिटीज जब ग्रैब करूंगा तो इन अपॉर्चुनिटीज पे जब मैं काम करूंगा तो उससे बेनिफिट क्या हो रहा होगा, तो आप वो जो आपने सेकंड पार्ट पोर्शन है उसका कि आपने उनको ये बताना है कि भाई मेरे पास ऐसी एबिलिटी है विच इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द अमेरिकन कम्युनिटी, तो आप उसको बेनिफिट भी बता देते हैं, ठीक है. ये अगर आप एस्टैब्लिश कर लेते हैं तो फिर आपके पास एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है कि आपका जो फॉर्म I-140 है आप उसमें एक कवर लेटर लगाना होता है. फॉर्म तो सिंपल है, फॉर्म I-140 आप फिल कर सकते हैं आप. और अच्छा मैं आपको ये भी बता दूं कि आप EB2 NIW जो है खुद भी अप्लाई कर सकते हैं. मैंने आपको स्ट्रक्चर समझा दिया है, आप अगर ये प्रूव कर सकते हैं तो फिर आप ये खुद भी कर सकते हैं. अदरवाइज वी आर हेयर टू प्रोवाइड यू सर्विसेज. अगर आप ये वीडियो जो है वो YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, अगर आप Facebook पे देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर लें, Instagram पे देख रहे हैं तो वहाँ पे फॉलो कर लें, अब तो हम TikTok पे भी हैं तो वहाँ पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं या लाइक कर सकते हैं. सो जो कवर लेटर होगा बड़ा इंपॉर्टेंट है. देखें कवर लेटर जो है उसमें आपने ये बताना है, कवर लेटर इज बेसिकली द स्नैपशॉट ऑफ द होल थिंग. एक इतनी बड़ी फाइल एक्चुअली बन जाती है, उस फाइल को जो है वो आप कवर लेटर में बताते हैं कि भी मैं क्या समझता हूँ. उस कवर लेटर के अंदर जो है वो आप एक्सप्लेन करते हैं ये सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं जो मैंने आपको बताई हैं, आपका प्रपोज्ड एंडेवर क्या है, क्यों आप ये समझते हैं कि यू हैव द एक्सेप्शनल एबिलिटी, क्यों आप ये समझते हैं इट इज़ इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द USA, ठीक है. तो आप उसमें वो एक्सप्लेन करते हैं एंड देन आप अपना प्रपोज्ड एंडेवर जो है वो एक्सप्लेन करते हैं, और फिर आप ये बताते हैं कि मैंने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं इसके साथ अटैच किए हैं. देखें जब भी आप कहेंगे कि मैं ये समझता हूँ, आप एक क्लेम कर रहे हैं, उस क्लेम को सब्सटेंशिएट करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ठीक है. वो डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे, वो आपके रेफरेंस लेटर्स हो सकते हैं, आपने किसी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी मेंबरशिप ली हुई है वो हो सकती है, आपके पास कोई लाइसेंस है किसी फील्ड में, आप ऐसे में हैं जहाँ पे लाइसेंस रिक्वायर्ड है, आप वो कर देते हैं, प्रोवाइड कर देते हैं. एंड देन आप जो रेफरेंस लेटर्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि वो बेसिकली आपका एम्प्लॉयर या आपके प्रोफेसर जो हैं वो आपको इंडोर्स कर रहे हैं कि जो आपका क्लेम है दैट यू आर द वन जिसकी अमेरिका को ज़रूरत है, वो आपके उस क्लेम को जो है वो इंडोर्स कर रहे होते हैं. कवर लेटर ईजी होना चाहिए, ईजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, समबडी शुड नॉट बी लॉस्ट. और आप देखें एक चीज़ जहन में रखें कि USCIS के अंदर जो बंदा बैठा हुआ है वो एक्सपर्ट नहीं है आपके फील्ड का, सो डोंट यूज टेक्निकल जार्गन्स. ईजी टू अंडरस्टैंड अगर आपका कवर लेटर होगा और ईजी टू अंडरस्टैंड आपका CV होगा, ईजी टू अंडरस्टैंड आपके कवर लेटर्स होंगे, तो उसको जो केस है उसको अंडरस्टैंड करने में, बिकॉज ही इज नॉट एन, अगर आप IT एक्सपर्ट हैं तो आप अगर वो जो बंदा जो आपके केस को वहां पर रिव्यू कर रहा है वो IT एक्सपर्ट नहीं है. सो कीप दैट इन माइंड, इट शुड बी ईजी टू अंडरस्टैंड, इट शुड नॉट बी टू लेंथी, इट शुड नॉट बी टू शॉर्ट, क्योंकि आप जब अपनी ये सारी चीजें जो है अपने कवर लेटर के अंदर लेकर आएंगे तो फिर एटलीस्ट आपको कोई 7-8 पेजेस का कवर लेटर जो है वो बन जाएगा. बट डोंट गो इन टू टू मच डिटेल, क्योंकि कवर लेटर अगेन सारी एविडेंस आपने साथ लगाई है, लेकिन कवर लेटर में जो है वो आप एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि वाई यू फॉल इन टू दी EB2 NIW प्रोग्राम. सो ये जो प्रोसेस है वो ये होता है कि सबसे पहले हम I-140 जो इमिग्रेशन पटिशन है वो पटिशनर फाइल करता है टू USCIS. USCIS जो है वो उसको रिव्यू करता है. दैट प्रोसेस कैन टेक एनीथिंग बिटवीन 2-4 months. अच्छा यहाँ पे बड़ी एक टेक्निकल चीज़ है कि कुछ लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि जी हम इसको प्रोसेस को फास्ट ट्रैक करवा लेते हैं. फास्ट ट्रैक की एक हैंडसम फी है,
जो आप पे करते हैं और फिर वो फास्ट ट्रैक हो जाता है, 21 डेज में जो है वो आपके पास उसका रिजल्ट आ जाता है। बट चूंकि प्रायोरिटी डेट जिस दिन उनको एप्लीकेशन रिसीव होती है उस दिन की लगती है और आगे जो वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम है वो काफ़ी लंबा है, तो हमें उसको फास्ट ट्रैक करने की कोई ज़रूरत नहीं होती एज सच, अनलेस यू आर लिविंग इन अ कंट्री जहाँ पर उसको फास्ट ट्रैक अगर करवाएं तो बेहतर होगा, क्योंकि वहाँ पे जो वीज़ा प्रोसेसिंग का जो टाइम है वो बहुत शॉर्ट है। लेकिन पाकिस्तान के केस में वीज़ा प्रोसेसिंग जो है पाकिस्तानी नेशनल्स के लिए, वीज़ा प्रोसेसिंग पीपल हु आर लिविंग इन पाकिस्तान, वो तकरीबन एक साल का टाइम पीरियड है। सो 2 to 4 months और मे बी 5 months इन द अप्रूवल ऑफ इमिग्रेशन पिटीशन एंड ऑलमोस्ट अ ईयर इन वीज़ा प्रोसेसिंग। सो बहुत एक इकोनॉमिकल सी अपॉर्चुनिटी है। टोटल जो आपका एक्सपेंस आता है वो अराउंड कोई $2,000 है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप सिंगल हैं, आप फैमिली वाले हैं, $2,000 आता है। और उसके साथ साथ अगर आप खुद से अप्लाई करते हैं तो यही एक्सपेंस है। अगर आप हमारी सर्विसेज को इंगेज करना चाहते हैं तो वी रिव्यू योर केस, हम आपका CV देखते हैं, आपसे डिस्कस करते हैं, एंड देन इफ वी थिंक दैट वी कैन एस्टैब्लिश द होल सिनेरियो कि जी आप NIW प्रोग्राम में फॉल करते हैं तो हम आपका केस जो है वो प्रोसेस करते हैं। चांसेस ऑफ सक्सेस जिस केस को हम कर कह देते हैं कि ये ओके है NIW प्रोग्राम के लिए, चांसेस ऑफ सक्सेस आर वेरी हाई। मैं ये नहीं कहता कि 100% है क्योंकि USCIS ने डिसाइड करना है, लेकिन बेस्ड ऑन आर एक्सपीरियंस हमारा हमें ये लगता है कि हम आपके केस को काफ़ी हद तक जो है वो सक्सेसफुल बना सकते हैं। ऑलमोस्ट आप कह लें कि 90-95% चांसेस होते हैं कि आपका जो इमिग्रेशन पिटीशन है वो अप्रूव हो जाएगी। इमिग्रेशन पिटीशन अगर उसको कोई चीज़ कहीं समझ ना आए तो आपके जो केस ऑफिसर है वो आपसे फर्दर डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट कर सकता है। अगर रिफ्यूज़ भी कर दे तो आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं, बट वो जो टाइमलाइन है वो एक्सपेंड होना शुरू हो जाता है। एंड जो आजकल सिचुएशन है, पीपल आर इन अ हरी सो दैट दे कैन माइग्रेट टू सम अदर कंट्री, और उसमें अगर USA की अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो फिर और ज़्यादा जल्दी हो जाती है। सो ये था एक EB2 NIW प्रोग्राम के बारे में, छोटा सा मैंने सोचा आपको वीडियो आपके साथ शेयर कर लूं। स्टिल इट इज 12 मिनट्स वीडियो। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे नंबर्स जो हैं वो तो नीचे चल ही रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, आप हमें इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। आप अगर अगेन माई रिक्वेस्ट टू यू इज कि अगर आप इसको यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम NIW के ऊपर फर्दर वीडियोज भी बनाने जा रहे हैं। हम जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी जो है वो उनको इंटरव्यू करेंगे, उनसे भी उनकी राय पूछेंगे, सो दैट अगर कोई साहब जो हैं वो खुद से इसको प्रोसेस करना चाहते हैं तो उनकी भी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक कर लें, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो लाइक कर लें, अगर टिकटॉक पे देख रहे हैं तो भी आप लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पे और नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।